अपनी काव्य रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब कर्ण पराजित होता है तो दुर्योधन से प्रेरित होकर के उसके भाई भीमसेन के सम्मुख आ जाते हैं और अपनी शरवर्षा से उनको परेशान करने की चेष्टा करते हैं, परंतु भीमसेन प्रसन्न होते हैं। आप देखें, इनका नाम सुने और इनकी कहानी सुने। जय दुर्मद दुर्धर दुर्मर्षण दुःसह देखे कर्ण पराजित गए भीम से लड़ने राजन। दुर्योधन से होकर प्रेरित उनके साथ कर्ण भी आया बार पांचवी फिर लड़ने को उन्हें बचाने के निमित्त से। अपराधी मानत अपने बार में उसने देखा था कर्ण ने कि जब वह पीछे जाता है तैयारी नए रथ पर चढ़ करके आने के लिए, उसी दौरान भीमसेन दुर्योधन के कई भाइयों का वध कर देते हैं। इसलिए वह तुरंत जल्दी से आता है क्योंकि साधारण मनुष्य भीमसेन की प्रहार को सहन नहीं कर सकते थे, वो आज अनुभव कर रहा है। दुर्योधन के 100 भाइयों की गिनती कम पड़ जा रही थी 5 पांडवों से। अब देखें, कर्ण आ जाता है और कर्ण के आते आते क्या होता है। ये पांचों धृतराष्ट्र पुत्र थे जिन्हें भीम ने मार गिराए, झुकी गांठ सर से घायल कर राधा सुत को दूर भगाए। भीमसेन से कर्ण बचाया कौरव वीरों ने बहु लड़कर, ये धृतराष्ट्र पुत्र थे सातो जो बरसाई बाण भीम पर। फिर 7 पुत्र आते हैं धृतराष्ट्र के और कर्ण की रक्षा करना चाहते हैं। दुर्योधन से प्रेरित आए थे सातो धृत यमलोक सिधाए, दुर्योधन से प्रेरित आए ये सातो यमलोक सिधाए, भीमसेन के 7 बाण से कर्ण लौट कर जब तक आए। दृष्टि दूर राधा सुत से थे अल्पकाल के लिए भीम पर, इतने में मारे सातों को देख कर्ण के दृग आंसू झर। कर्ण को आंसू आ जाता है, इतने कल्प समय में ही उन्होंने इनका वध कर दिया सातों का। और इनका नाम आप सुने, चित्र उपचित्र चारु मित्र चित्र वर्मा के साथ चित्रायुध सरासन, चारु मित्र थे जिनकी मर्म अंगों पर एक एक बाण मारे। घातक मृकोदर ने मन में प्रसन्न थे, वो प्रसन्न होते थे धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करके, सारा अत्याचार में याद आता था। यही पद्धति थी भीमसेन की युद्ध की कि वो हंसते हंसते प्रहार करते थे और भीतर में क्रोध रहता था और उस क्रोध के कारण वह पूरा बल लगाते थे लेकिन चेहरे से हंसते रहते थे और लोग समझ नहीं पाते थे क्या है। इसको धृतराष्ट्र वेदव्यास के मुख से सुन करके समझ गया था कि यही उनकी पद्धति है। वेदव्यास जी ने व्यक्त किया था कि भीमसेन की यही स्टाइल है। आप देखें, भू पर गिरे वे सातो भूमि जिम गिरते हैं, वायु वे गया हत द्रुम जैसे बिखंड हो।
काल हो रहे थे आज धृतराष्ट्र पुत्रों के। भीमसेन हसते मृदु अतिशय प्रचंड हो। छठी बार फिर लौट कर्ण ने भीमसेन पर सर बरसा कर धके। वीर ने चंदन उनके कौरव वीरों को प्रसन्न कर। उनका जो चंदन था, धन रथ था, पूरे चंदन को, पूरे रथ को ही ढक दिया बाणों से। इतने क्रोध में था कर्ण, क्योंकि वह पांच बार पराजित होने के बाद छठी बार रथ लेकर के आया था। कर्ण बाण बरसा को काटे भीमसेन ने रण में सत्वर। और ढके उसके ही रथ को तेजी से शर की बरसा कर। शत्रुंजय विकर्ण दृढ़ कर्मा और शत्रु शहरन तत्पर हो। चित्रबाण चित्रायुध आए चित्रसेन सह कवच बद्ध हो। अति प्रसन्न हो कर फिर घातक सात बाण धनु पर संधाने। रथ से मार गिराए सातो वीर चले कर्ण बचाने। फिर उसी पद्धति से उन्होंने इन भाइयों पर धृतराष्ट्र पुत्रों का वध कर दिया। महाराज महाराज 31 पुत्र तव भीमसेन ने मार गिराए। दुःशल सह 32 हुए सब कर्ण क्लेश लज्जायति पाए। संजय अपनी कथा जारी रखते हैं। वह धृतराष्ट्र कहते हैं कि महाराज इस तरह से आपके 32 पुत्रों का नाश हो गया, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। कर्ण को बड़ी लज्जा आई, जिस क्रोध से वह अर्जुन के पास से होकर के भीम को रोका था और जिसकी बल पर सारी विचारधारा दुर्योधन की टिकी हुई थी युद्ध की, वह सब अध्वस्त हो रही थी। रोये स्वयं फिर से आप सुने। महाराज 31 पुत्र तव भीमसेन ने मार गिराए। दुःशल सह 32 हुए सब कर्ण क्लेश लज्जायति पाए। रोये स्वयं भीम ने बध कर धर्मवान तव सुत विकर्ण को। बधे प्रतिज्ञा से वह जो थे इसीलिए मारे वह उनको। विकर्ण पांडवों का प्रिय था, वह धृतराष्ट्र पुत्र था, लेकिन वह धर्मज्ञ था। और ये पांचों पांडव तो धर्म को हमेशा पसंद करते थे, इसलिए जब विकर्ण को मारा भीमसेन ने तो प्रहार करते समय भी वह दुखी हुए और जानते थे कि आज इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, और प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, उसी बात को याद करते हैं। और उन्होंने फिर कहा, भीम कहे बध कर तारण में, प्रिय विकर्ण मैं तुझे धर्म हित, स्वयं तात तुम धर्म समझ कर, लड़कर हुए काल को कवलित। वह भी अपने भाई के पक्ष में आया था, उसने भी अपने धर्म का महत्व दिया था, जिसकी रोटी खाया था उसके पक्ष में युद्ध करने आया। और ये युद्ध का जो रौद्र रूप है, कष्टकारी पक्ष है, आज यहाँ सामने आता है, रोते हैं और मारते हैं उसको। मंगलकारी वचन विदुर का याद आ गया दुर्योधन को, दिए कि
ये शांति की भिक्षा जो नहीं मिला था राजन उनको। विदुर ने शांति की भिक्षा मांगा था धृतराष्ट्र से, लेकिन युद्ध हो गया, शांति की भिक्षा उन्हें नहीं मिली। आज उसको संजय याद दिलाता है। हते भीम ने आज पुत्र तव उत्तर उसका नहीं सूझता, हे राजन दुर्योधन को अब यद्यपि दिन भर रहा जूझता। कहे व्यूह में भीम सेन जब तब भी द्रोण समीप गया था, उपालंभ देता दुर्योधन गुरु से क्रोधित हुए कहा था। महानाश होता संगर में मंदभाग्य मेरा यह कैसा, धनुर्वेद पारंगत होते हारी इन तीनों से जैसा। भीम और सत्यक सुत से भी हार गए हैं कैसे मानूं, नहीं मानता कोई भी है यह सागर शोषण समझान। ये उपालंभ देता है, आक्षेप करता है द्रोणाचार्य के पास जाकर के कि ये तीनों कैसे प्रवेश कर गए, इतने बड़े धनुर्वेद के ज्ञाता आप थे, सारे आर्यावर्त के का जो धनुर्वेद था आप में प्रतिष्ठित था, और उसके उसने ये भी कह दिया कि ठीक है अर्जुन चले गए तो चले गए, लेकिन सत्यक शुद्ध सात्यकी से भी आप हार गए, भीमसेन से भी हार गए। ये जो है उसी तरह से है कि इस तरह के सागर सूख जाए और इसको कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है, माने उनकी ईमानदारी पर शक करता है। व्यास जी ने विस्तार से द्रोणाचार्य की क्रोध का वर्णन किया है, द्रोणाचार्य ने उसको समझाया, हालांकि उसने बाद में प्रार्थना भी किया था, और ये प्रार्थना दिखी उसकी दो लाइन की प्रार्थनाएं सुनिए आप। तीनों रथी निकट जा पहुँचे जहाँ जयद्रथ रहता मानद, करे क्षिप्रयति रक्षित उसको जो कुछ हुआ भूल कर त्रासद। दुर्योधन ने आक्षेप किया, उसके बाद प्रार्थना भी किया। द्रोणाचार्य ने दूत के समय जो अत्याचार हुआ था उसकी कहानी को याद दिलाया था, मैं इसका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। आप वेदव्यास ने तो बहुत विस्तार से फिर उसी बात को लिखा है, कितनी बार उसको रिपीट किए करना पड़ेगा हमको, अभी फिर कहेंगे हाँ, लेकिन उन्होंने संक्षेप में जो कहा वो आप उसका मूल तत्व मैं आपको सुना रहा हूँ। समझा कर लौटाया गुरु ने दुर्योधन को जहाँ जयद्रथ, और कहा जा उसे बचाओ साथ लिए सब वीर महारथ। वहाँ कर्ण कृप अश्वत्थामा अरुवृक्ष से न युद्ध करते हैं, सिंधुराज की रक्षा करते इन तीनों से क्यों डरते हैं। पर अब देख पराजित सबको और भाइयों के इस बद को, विदुर विलाप शांति के हित में याद हुआ सब दुर्योधन को। अब देखें द्रोणाचार्य ने लौटा दिया, और जिस कर्ण के बल पर, कृपाचार्य अश्वत्थामा के बल पर, भूरिश्रवा के बल पर वह लौट करके आया रक्षा करने के लिए, उसमें से कर्ण भी 5 बार 6 बार पराजित हुआ। दुर्योधन की इस परेशानी को आगे बताते हुए धृतराष्ट्र से संजय ने फिर कहा था, राजन तुम तत्वज्ञ धीर यरु वृद्ध रहे पर
नहीं किए थे। सुहृद वचन परिपूरित सुनकर कारण दैव विधान रहे थे। तब अपराध महान रहा है कारण पुत्रों के विनाश का। शोक त्याग कर सुनिए राजन समाचार पुत्रों के वध का। हुआ घोर अपराध आप से क्रूर सभा में द्रुपद सुता को। जब लाए दुर्बुद्धि पुत्र तब कर्ण सहित कह परुष बचा को। वीर छोड़ कर विदुर छोड़ कर कुरु संसद के सभी सभासद मौन रहे थे। स्वयं आप सुनते थे चुप हो, स्वयं आप सुनते थे चुप हो। पांडु पुत्र नतशीष सुने थे। कहे कर्ण कृष्णा से पांडव चले गए हैं अब विनष्ट हो। शाश्वत घोर नरक में रहने सुनो अन्य पति जहाँ सुलभ हो। कहे कर्ण कृष्णा से पांडव चले गए हैं अब विनष्ट हो। शाश्वत घोर नरक में रहने चुनो अन्य पति जहाँ सुलभ हो। ये थो थे तिल के जैसे हैं कहे दुशासन पांडु सुतों को। ऐसे वचन कोप उपजाए तेरह वर्ष व्यथित कर उनको। वही कोप अब तव पुत्रों का अंत किए देता संगर में। वही कोप अब तव पुत्रों का अंत किए देता संगर में। बहुविध किए विलाप विदुर जी शमन मांग निर्दय संसद में। सुने नहीं राजन वह सब तब यद्यपि थे समर्थ देने में। भोगे अब परिणाम पुत्र सह इन कर्मों के फल होने में। हे राजन विकर्ण के जैसा प्रवर पुत्र तब बधा गया है। चित्रसेन तब अति बलशाली पुत्र आज ही ढेर हुआ है। संजय से धृतराष्ट्र कहे तब सब मेरा ही दोष रहा है। जिसका अब परिणाम पा रहा मैंने सोच विचार लिया है। बंद करो।